बेसिकली अगर आप देखो पंजाब के अंदर एक डिफरेंट ही क्रेज है, हर चीज को मॉडिफाई करते हैं, पर ये ट्रैक्टर देखो ये पूरा मॉडिफाइड हुआ हुआ है। ये जो वीर जी है उनकी वजह से डेथ हो गई, ये सामने आप फोटो देख सकते हैं उनकी, और उनका ही ग्रुप है साई ग्रुप, राइट। और ये ट्रैक्टर को देखो भाई, ये पूरा मॉडिफाइड है और काफी खूबसूरत ट्रैक्टर है भाई। स्पीकर्स लगे हैं बड़े बड़े साइज के, जॉइंट साइज के, और यहाँ पे आप टायर्स देखो, ट्रैक्टर काफी बड़े बड़े हैं। इवन वहाँ पे पंजाब का मैप बना हुआ है। ओहो, ट्रैक्टर के अंदर अलॉय लगा रखे हैं भाई, काफी ज्यादा बढ़िया बैजिंग हो रखी है मर्सिडीज की। तो भाई सामने आप स्क्रीन देख सकते हो, पूरी ट्रैक्टर के अंदर पूरी कार वाली स्क्रीन लगाई गई है म्यूजिक सिस्टम को चलाने के लिए, और इवन बैक कैमरा यूज करने के लिए भी भाई। सो भाई ट्रैक्टर तो पूरा आपने देख लिया, अब ट्रैक्टर की कॉस्ट पूछ लेते हैं पाजी से। ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी है पाजी ये ट्रैक्टर की? मतलब अगर हम ऑन रोड एजेंसी से लेते हैं तो ये 8 लाख का ट्रैक्टर पड़ता है बिल्कुल रॉ। उसके ऊपर आपने जो मॉडिफिकेशन कराई वो 4 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन, मतलब 50% कॉस्ट की मॉडिफिकेशन होगी ट्रैक्टर पे। और जो पीछे का ट्रॉला हुआ, ढाई लाख का नॉर्मल रॉ ट्रॉला, मतलब उसके अंदर कुछ भी काम नहीं किया हुआ, और ऊपर काम कराएंगे तो 1 लाख रुपए का ट्रॉला के अंदर ऊपर काम लग गया भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भैया मस्त हूँ, मस्त ही मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी अपनी भाई। वैसे ये वीडियो का सेकंड पार्ट है भाई, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने होला मल्ला पूरा शूट किया था भाई, और उसके बाद ना वो वीडियो इतना बड़ा था कि मैंने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई। तो ये वाला जो पार्ट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। ट्रैक्टर की यूनिक यूनिक ट्रॉलियाँ, बड़े बड़े यूज साइज के ट्रैक्टर, बड़े बड़े टायर भाई, बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई है। इवन बहुत सारे नियंग सिख मिलेंगे गतका करते हुए इस वीडियो के अंदर आपको। वीडियो को पूरा देखना, काफी ज्यादा मजा आएगा। वीडियो के एंड में मिलते हैं भाई। कलगीधर दशमेश पिता ने चिट्ठियां कलियां दी, संगता दूरों दूरों नंदपुर साहब जी आईया, किधरे ढाडी उच्ची है काला के गांव दे, किधरे ढाडी, किधरे ढाडी उच्ची है काला के गांव दे। सो थोड़ा सा चलने के बाद अपन को मिल चुका है एक लंगर, और यहाँ देखते हैं हमें क्या मिलता है खाने के लिए। यहाँ अपन को लंगर में मिल चुका है भाई कड़ी पकौड़ा, चावल, मटर वाले, और प्रसादा है, प्रसादा मिस्सा प्रसादा है। लंगर ही कड़ी ना सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है भाई सच्ची। सो स्वादिष्ट लंगर तो हमने कर लिया भाई, और इस लंगर के बाद शाम के लिए भी लंगर बन रहा है। शाम के लिए लंगर बन रहा है भाई, पकौड़े, आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े और चाय। बस इवनिंग के टाइम पे लोग यहाँ चाय पीने के लिए आएंगे और उन्हें साथ में पकौड़े दिए जाएंगे भाई। पे आपने मशीन देखी थी पीछे वाले लंगर हॉल में, और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे लोग हाथ से पूरे प्रसादे सेक रहे हैं। हेलो भाई, चलते चलते बाहर आ चुके हैं, और यहाँ देखो बड़ी सारी भीड़ लगी हुई है। देखते क्या चक्कर है, भीड़ लगी हुई है इतनी सारी। ओहो, लो भाई आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा भाई गतका देख के, शस्त्र विद्या देख के भाई नियंग सिखों की, काफी ज्यादा अच्छा लगा। हालांकि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, कल इसकी पूरी मूवी बाकी है, कल देखोगे काफी ज्यादा मजा आएगा। कल बेसिकली पूरे नियंग सिख एक रैली लेके निकलेंगे, घोड़ों के ऊपर भागेंगे, एक अलग ही माहौल होगा भाई कल का, तो वो वीडियो भी देखना भाई। अभी चलते थोड़ा बहुत आराम कर लेते, काफी ज्यादा थक चुका हूँ, लगभग 8 से 9 किलोमीटर लगातार पैदल चला हूँ मैं, पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। थोड़ी सांस सांस लेता हूँ, थोड़ा बहुत आराम करता हूँ, फिर आराम से आएंगे और भी चीजें दिखाएंगे आपको। अभी काफी चीजें बाकी हैं, शाम के टाइम दिखाएंगे, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तब मजा आया उन सब चीजों का, लाइटिंग होगा भाई, झूले भी, झूले लाइटिंग और ट्रॉले तो रह गए,
मेरे को पता चला भाई ट्रॉले जो है ना वो रात में दिखाने में मजा है, दिन में दिखा दूंगा तो उनकी लाइटिंग अच्छी तरीके से नहीं दिखेगी, है ना भाजी? बिल्कुल भाजी। चलो फिर आराम करते हैं थोड़ा बहुत। लो भाई बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर लिया था थोड़ा बहुत सो के, और मैं आपको बताऊं भाई जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा ना यहाँ सबको मसाज मिल रही थी, तो पाजी ने भी थोड़ी बहुत मसाज ली थी और नींद आ गई बढ़िया। देखा ही होगा आपने मस्त सोए भाई। आपको पता है मैंने आपको सोते हुए भी रिकॉर्ड किया थोड़ा सा। चलो सामान वामान रखते हैं और यहाँ से आप सीधा निकलते हैं आपको और भी चीजें दिखाने के लिए अनंतपुर साहिब के अंदर। भाई हम केसगढ़ साहब के बैक साइड में आ चुके हैं और यहाँ पे एक यूनिक कैंप लगा हुआ है भाई। अब मैं उस कैंप के अंदर आपको दिखाता हूँ क्या चीज हो रही है। भाई खाने का लंगर देखा, ब्लड कैंप देखा, उसके बाद आपने सेवा मतलब शरीर के दर्द को उससे छूटने के लिए उसका लंगर देखा। अब यहाँ देखो भाई किसकी सेवा चल रही है। जी की सरस्तार देखो कितनी खूबसूरत सजाई हुई है भाई, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ देखो बाकी हुई पगड़ी काफी सारी, काफी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की बांधी हुई है। तो यहाँ देखो भाई छोटे से बच्ची पगड़ी कितनी खूबसूरत सजाई है भाई। ये पगड़ी आप लोगों ने खुद दी है यहाँ से? हाँ जी, हमने जिसको खुद पगड़ी दी ताकि और वो पगड़ी सजाए और घर को जाए और सदा के लिए पगड़ी सजाए। हाँ जी हाँ जी, पगड़ी देने से पहले भी आप एक कसम भी खिलवा रहे हो सबसे, राइट? हम पगड़ी देने से पहले कसम खिलाते हैं कलंगी धर दे पुत्रो धीओ साबत सूत हो के जी कि आज के बाद दाढ़ी केस कतल नहीं कर। भाई लंगर तो काफी डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर लंगर के पीछे ना कोई इनिशिएटिव जरूर है भाई, कोई ना कोई फायदा किसी ना किसी संगत को पहुँचाने के लिए भाई। किसी को जोड़े का दर्द हो, किसी को पीठ का दर्द हो उनके लिए, किसी को पगड़ी बांधनी ना हो उनके लिए, इवन लंगर खाने पीने का सारा सब कुछ है भाई यहाँ पे, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। चलते चलते पूरा बैक साइड में आ चुके हैं केसगढ़ साहब के। यहाँ पे आपको वीआईपी सराय नजर आ रही होंगी दोनों साइड में, ये नई वीआईपी सराय स्टार्ट हुई है इसी साल, और ये वीआईपी सराय में मैं पहले स्टे कर चुका हूँ। और इसी जगह पे ना एक डिफरेंट ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं जो मॉडिफाइड हैं, और इवन उनके साथ ट्रॉली जुड़ी हुई है, जो पोर्टेबल घर होते हैं ना बिल्कुल वो मतलब कैरा वैन समझ सकते हो ना बिल्कुल वैसे। आओ मैं आपको दिखाता हूँ भाई, कुछ डिफरेंट है भाई और सच्ची कुछ यूनिक किया हुआ है इन लोगों ने। देखो भाई डिफरेंट ट्रोला है पूरा। यहाँ देखो ये ऊपर पूरा पीवीसी पैनल बना हुआ है, काफी खूबसूरत लग रहा है। इवन ऊपर लाइटनिंग की हुई है, पूरा डेकोरेट किया हुआ है, सोने के लिए काफी बढ़िया गद्दे लगे हुए हैं, इवन टीवी भी आप देख सकते हो भाई, काफी ज्यादा फैसिलिटी के साथ है। सबसे डिफरेंट चीज भाई एसी भी लगा रखा, और इसको बिजली भी मिल रही है कहीं से। कहाँ से मिल रही है पाजी इसे बिजली? पाजी डायरेक्ट भाई ये तार। हाँ जी खम्बे तो वैसे अगर ट्रैवल करते हो तो फिर कैसे लेते हो बिजली? फिर नहीं चलूगा, फिर नहीं चलेगा, मतलब लेना पड़ेगा बाहर से कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का, तभी बनेगा काम। अच्छा ये मतलब एसी को अगर यूज करना है तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी, बाकी सारे लाइट इन्वर्टर पे चल जाती है। ठीक है भाई बढ़िया है, काफी काफी बढ़िया बनाया है। ये थोड़ा पर्सनल यूज ली? हाँ जी ये अपने लिए खुद के लिए बनाया इन्होंने, और अपने यूज के लिए किसी को बेचने बेचने के लिए नहीं भाई, काफी ज्यादा बढ़िया है। जैसे कहीं पे भी ट्रैवल करने गए, जैसे मेरे जैसे लोग हैं ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो कहीं पे भी गए तो अपने लिए यूज के लिए रहने के लिए पूरा घर साथ में रह सकता है भाई आराम से। मैं भी जरूर कभी ना कभी बनवाऊंगा भाई ट्रॉला पूरा। बेसिकली अगर आप देखो पंजाब के अंदर एक डिफरेंट ही क्रेज है, हर चीज को मॉडिफाई करते हैं, पर ये ट्रैक्टर देखो ये पूरा मॉडिफाइड हुआ हुआ है। ये जो वीर जी है उनकी वैसे डेथ हो गई, ये सामने आप फोटो देख सकते हैं उनकी, और उनका ही ग्रुप है साई ग्रुप, राइट? और ये ट्रैक्टर को देखो भाई ये पूरा मॉडिफाइड है और काफी खूबसूरत ट्रैक्टर है भाई। स्पीकर्स लगे हैं बड़े बड़े साइज के, जॉइंट साइज के, और यहाँ पे आप टायर्स देखो ट्रैक्टर काफी बड़े बड़े हैं, इवन वहाँ पे पंजाब का मैप बना हुआ है। ओहो ट्रैक्टर के अंदर अलॉय लगा रखे हैं भाई, काफी ज्यादा बढ़िया बैजिंग हो रखी है मर्सिडीज की। तो भाई सामने आप स्क्रीन देख सकते हो पूरी ट्रैक्टर के अंदर, पूरी कार वाली स्क्रीन लगाई गई है म्यूजिक सिस्टम को चलाने के लिए, और इवन बैक कैमरा यूज करने के लिए भी भाई, ताकि दिक्कत ना आए। सो भाई ट्रैक्टर तो पूरा आपने देख लिया, आप ट्रैक्टर की कॉस्ट पूछ लेते पाजी से, ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी है पाजी ये ट्रैक्टर की? मतलब अगर हम ऑन रोड एजेंसी से लेते हैं तो ये 8 लाख का ट्रैक्टर पड़ता है बिल्कुल रॉ, उसके ऊपर आपने जो मॉडिफिकेशन कराई वो 4 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन, मतलब 50% कॉस्ट की मॉडिफिकेशन होगी ट्रैक्टर पे। और जो पीछे का ट्रॉला हुआ ढाई लाख का नॉर्मल रॉ ट्रॉला, मतलब उसके अंदर कुछ भी काम नहीं किया हुआ, और ऊपर काम कराएंगे तो 1 लाख रुपया लग गया। 1 लाख रुपए का ट्रॉला के अंदर ऊपर काम लग गया भाई।
और बाकी कई लोग इससे भी ज्यादा भी करते हैं, कई लोग इससे कम भी करते हैं, वो अपने ऊपर है भाई। लेकिन यहाँ का जो ट्रॉल और ट्रैक्टर है वो बहुत डिफरेंट और बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। बाकी चलते हैं आगे भी दिखाते हैं आपको। ये ट्रॉले यहाँ पे खड़े हुए हैं, अलग अलग चीजें उनके अंदर लगी हुई हैं, यूनिक यूनिक जो छोटी छोटी दिखती है मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी चलते रहते हैं, एक एक ट्रॉला अलग से दिखाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा भाई। सामने आप देख सकते हो मिरर लगा रखा है इन्होंने, बेसिकली ड्रेसिंग मिरर है तैयार होने के लिए। पगड़ी वगड़ी बांधने शौकीन बहुत होते हैं सरदार, तो ड्रेसिंग एरिया तो चाहिए चाहिए भाई। बाकी घास पूरी लगी हुई है और पूरे शोबाजी में बनाया हुआ। देखो भाई इस ट्रॉले को, ये ट्रॉला उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि इसकी रूफ देखो ज्यादा अच्छी बनी हुई है। इवन इसके अंदर ना आरओ भी लगा हुआ है पानी के लिए और पीछे स्क्रीन भी काफी बड़ी है। स्प्लिट एसी लगा हुआ है इसके अंदर, वैसे उसके अंदर आपने देखा था विंडो एसी था, इसमें स्प्लिट एसी है, बंद भी हो सकता है आराम से और अंदर कूलिंग भी अच्छी खासी रहेगी। अपने हिसाब से सबने मॉडिफिकेशन करके अपने अपने ट्रॉले बनवा रखे। इस ट्रॉले में आप देख सकते हो भाई सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इस ट्रॉलो के अंदर अंदर काम किया था, इसमें बाहर भी किया हुआ है। आप देख सकते हो लाइटिंग लगा रखी है सजाने के लिए पूरी, और इवन इसके अंदर विंडोज हैं, कांच लगा हुआ बेसिकली, और इवन कर्टन्स लगे हुए हैं अंदर से। अगर आप इसे खोल दोगे तो अंदर से विजिबिलिटी रहेगी बाहर ट्रॉले के। दोस्तों यहाँ से आप केसगढ़ साहब के पूरे दर्शन कर सकते हो, काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। मैं पूरा केसगढ़ साहब आपको 360 में दिखाऊंगा, ये बैक साइड है, फिर साइड से दिखाऊंगा और फिर फ्रंट से भी दिखाऊंगा। चलते हैं। सामने जो आपको दिख रहा है स्प्रे होता हुआ, ये बेसिकली रूम फ्रेशनर है जो पूरे एरिया को बहुत सुगंधित कर रहा है इस वक्त, और ये पूरा पाइप से लगा हुआ कंटिन्यूसली चल रहा है, रुक नहीं रहा है, फुहारे के रूप में छोड़ा जा रहा है भाई पूरे एरिया में, वो पीछे से पाइप होते हुए आ रहा पूरा। चलते हैं आगे तरफ और दिखाते हैं आपको। देखो भाई चारों तरफ झारे लगी हुई है, लाइटें लगी हुई है, काफी खूबसूरत लग रही है। ऐसा एक कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे लाइटिंग नहीं लगी हो, और इवन यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो कलरफुल लाइट्स भी लगाई हुई है बुंगे के साहब के अंदर। साहब के अंदर लाइटिंग लगा रखी है ऊपर, जो बेसिकली जो लाइट होती है जो डीजे के अंदर लगती है वो वाली लगाई है, अलग अलग कलर छोड़ रही है वो। संगत का इकट आते हुए बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, लगातार संगत आते ही जा रही है, आते जा रही है। सुबह भी दिखाया था और अभी भी देखो लगातार आ रहे हैं। काफी ज्यादा अच्छी चीज ये है, यहाँ पे लेडीज बच्चे सब लोग इजीली आ रहे हैं, इन्हें दिक्कत नहीं आ रही है। सहूलियत इतनी है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, रहना है खाना पीना सब कुछ सबसे, बस रूम्स नहीं मिलेंगे, 12,000 रूम्स अवेलेबल नहीं है। ओहो वीर जी उनके पैर नहीं है पर वो भी ऊपर जा रहे हैं दर्शन के लिए, उनके लिए भी पूरी सहूलियत होगी ऊपर जाने के लिए, इवन उनके लिए व्हीलचेयर भी मिल जाएगी भाई। अब हम जा रहे हैं जो आगे साइड में झूले वूले लगे हुए हैं सारे, सारी संगतों के लिए उनके लिए सहूलियतें दी हुई हैं, तो वो झूले वूले भी दिखाता हूँ, इवन कॉस्ट भी बताएंगे झूलों का क्या है। भाई गुरुद्वारा बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है, कैमरा जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं दे पा रहा है। एक बार जिंदगी में आप लोगों का बनता है होला मल्ला पे यहाँ पे आने का भाई, मिस मत करना, अगले साल जरूर आना, और हो सके तो इस वीडियो को देख के भी आ सकते हो आप लास्ट डेट 27 को अटेंड करने के लिए, क्योंकि 26 को आपको मॉर्निंग मिल रहा है। अगर आपको टाइम मिला आसपास से ही हो तो 27 तक आ जाओ, मजे ले सकते हो पूरे भाई, लाइफ में एक बार तो बनता है आना, है कि नहीं भाजी? पक्की गल है भाई। सो झूले तो यहाँ पे बहुत सारे हैं भाई, देख सकते हो जायंट व्हील है और एक ये भी है भाई, सबकी कॉस्ट अलग अलग है, 50 रुपीज टू 100 रुपीज वेरी कर रही है अलग अलग झूले के हिसाब से। आओ आगे छोटे बच्चों के झूले भी दिखाते हैं जिसमें आप और हम नहीं झूल सकते हैं भाई, सिर्फ देख सकते हैं। किधरे टाटी उच्ची के काला के काम दे माता गुजरी जी दे लाल दिया वडियाया सारे नंदपुर साहब च जगमग जगमग हो रही है संगते सारे पासे देखो होया ने रोशनाइया तो झूले झूलने का तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन यहाँ पे छोटे बच्चों को देख के दिल खुश हो रहा है भाई। मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं भाई, जब मैं छोटा हुआ करता था बिना कुछ सोचे समझे बस मस्त घूमते रहता था, ऐसे ही खेलते कूदते रहता था बिना किसी टेंशन के भाई। देख रहे हो ना यहाँ पे जैसे ना कोई फर्क ही नहीं भाई, दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी दुनिया में मस्त है भाई खेलने कूदने में। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए बोर्ड भी दी गई है यहाँ पे, बहुत वैरायटी में चीजें भाई, अनगिनत चीजें हैं, अनगिनत एक्टिविटीज है, आके यहाँ पे आप कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। सो भाई लगभग मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी है यहाँ जो स्विंग्स हैं उनसे रिलेटेड भाई। अब चलते हैं वापस की तरफ, दर्शन करने भी बाकी है गुरुद्वारे के और थोड़ा बहुत आराम भी कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एडिटिंग भी करनी होगी। मैं आपको बता दूं भाई कल है मेन होला मल्ला, यहाँ पे आपको गतकेबाजी दिखेगी पूरी खतरनाक तरीके से, इवन स्टेडियम के अंदर अलग अलग गुट आए होंगे जो आपस में गतका खेलेंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा भाई, तो कल का वीडियो मिस मत करना। चलो भाई चलते हैं। नीली
ਪੀੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡਣ ਹੋਲਾ ਮੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਉਂਦੇ। सो दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन है भाई, लगभग 3 घंटे लग रहे हैं इस वक्त दर्शन करने के लिए। बाकी नॉर्मल डेज पे आराम से हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है भाई। और अभी मैं वापस लौट के आ चुका हूँ ग्लोबल सिख कैंप में भाई, ये सोने की जगह मिली हुई है अपन को बढ़िया तरीके से भाई। मिलेंगे कल सुबह नए व्लॉग के साथ, कल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल व्लॉग है, मिस मत करना, लाइक करके ज़रूर जाएँ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो आगे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए, ताकि मैं आप लोगों को पूरा देश घुमा सकूँ और बढ़िया तरीके से अपना कल्चर दिखा सकूँ भाई। मिलते हैं कल, बाय बाय।